के बेनिफिट्स तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मेरे संग आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। इट्स गुड फॉर डाइजेशन, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसको रोज खाना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ और इसके हेल्पर्स क्या क्या है। तो देखिए, ये है टमाटर, ये है कैप्सिकम, ऑरिगेनो, प्याज, चिली फ्लेक्स, ये है अनियन और गार्लिक का ड्राई पाउडर, सॉल्ट, हरी मिर्च, ये ब्रेड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब मैंने चॉप कर लिया है और ये आप घर पे भी मंग कर बना सकते हैं और बाजार से ला के भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस दही को हम इसमें डालेंगे। और हमने ये जितना भी काटा है इन सबको हम इसमें डाल देंगे। कर्ड होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही डिलीशियस सा ये सैंडविच बनता है, इसको आप इवनिंग स्नैक्स और मॉर्निंग स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये एक टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ा सा और चम्मच मेरी बहुत छोटी है। इसमें अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऑप्शन है, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है मिर्ची, तो इट्स टोटल अप टू यू। और ये है जिंजर, ये सॉरी जिंजर नहीं है, ये है अनियन और गार्लिक का ड्राई पाउडर, इसको भी हम एक चम्मच दे देंगे। अब हम इसमें ये सॉस मिलाएंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ मिलाने का है अभी, वो है ब्लैक पेपर, तो वो भी मैं अब इसमें मिला देती हूँ। ये है ब्लैक पेपर तो पाउडर, इसको भी हम थोड़ा सा मिला देते हैं। चलिए अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। देखिए, ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और आज मैं इसको टोस्टर में नहीं बनाऊंगी, आज मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी, उसका भी एक अपना अलग सा टेस्ट होता है। ये देखिए, ये सारा मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अभी इसमें आप पत्ता गोभी भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी सीज़न में अच्छी नहीं आ रही है, सर्दियों में ये और अच्छे से बनता है। तो चलिए अब हम इसको ब्रेड में लगाते हैं और मैंने पहले से ही थोड़ा सा प्री हीट कर दिया है नॉन स्टिक पैन को। तो चलिए इस पे फैला देते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा ये सैंडविच बनके तैयार होता है। थोड़ा हटके है, जिनको आलू नहीं खाना है वो ये कर्ड सैंडविच खा सकते हैं। देखिए, इसको मैंने ऐसे लगा दिया है। ये देखिए, मैंने पहले से इसको हीट कर दिया है। अब हम इसमें, आपकी ऊपर है घी में बनाइए, बटर में या रिफाइंड में, तो मैं लिटिल बिट रिफाइंड में इसको क्रिस्पी करूँगी। इसको पूरा हम ऐसे बढ़िया से चला देंगे और अब हम इसमें ये डाल देंगे और थोड़ा सा इस पे भी लगा देंगे। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि इसका नीचे वाला लाल हो जाए, फिर हम इसको पलट देंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका निचली जो सतह है वो कितनी क्रिस्पी हुई है। 2-3 मिनट हो गए हैं, लेट्स चेक इट। ये देखिए, क्रिस्पी ये हो रहा है। अब इसको जो नेक्स्ट जो नीचे गई है सरफेस, उसको भी अब हम क्रिस्पी कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा रिफाइंड डालते हैं। तो
देखिए इसको ऐसे दबा दबा के क्रिस्प करना है। अब देखते हैं इसकी नीचे वाली जो है लेयर कितनी क्रिस्पी हुई है। तो ये देखिए क्या क्रिस्प हो रही है। अब उसको भी अब हम ऐसे हल्का हल्का दबा दबा के इसको हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। जो शेप आपको अच्छी लगती है आप वो शेप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको अब हम इसको टमाटो सॉस के साथ हल्का सा डिज़ाइन दे देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये निकल भी नहीं रहा, चिपक रहा है ये। देखिए ये हमारा कर्ड सैंडविच बनके तैयार है। इट्स अ हाईली हेल्दी एंड डिलीशियस। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। इवनिंग स्नैक्स में भी काम करेगा ये, मॉर्निंग स्नैक्स में भी काम करेगा। सॉरी मॉर्निंग स्नैक्स नहीं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।